नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। और मैं हूं एज यूजुअल आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पे मुझे फॉलो जरूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार लाइव फीड में उमर रियाज और अकाशा को क्या मिलता है, एक ऐसा सबूत जो कि कहीं ना कहीं सिम्बा की स्क्रिप्ट हो सकती है, कुछ डायलॉग्स हो सकते हैं। क्या ये बिग बॉस ने उन्हें दिया है? क्या बिग बॉस ने सिम्बा को बुला के सिम्बा की तरफ फेवरेटिज्म हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बता दो दोस्तों। तो लाइव फीड में क्या है मैं आपको बताता हूँ। उमर रियाज और अकाशा दोनों ही बैठकर जो बाथरूम सेक्शन का एरिया है वहां पर कुछ चीजें ऐसे ही सडनली उनको है ना मिलता है, और सिम्बा की जो पॉकेट है उससे कुछ पाउच मिलता है, जहां पे अकाशा और उमर जो है वो पढ़ रहे हैं उस लेटर को और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि बिग बॉस पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि स्क्रिप्टेड है, ये है वो है, डायलॉग्स दिए जाते हैं, स्क्रिप्ट दी जाती है, ये किया जाता है वो किया जाता है। अब इस पर क्या है सच्चाई हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि अकाशा और उमर रियाज के हाथों में कुछ डायलॉग जैसे आए हैं जो कि सिम्बा की पॉकेट से निकला है, और सिम्बा जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिम्बा के लिए लिखे गए हैं डायलॉग्स। अब अगर ऐसा ही मदद मिल रही है तो ये तो सचमुच में दोस्तों एक बिग बिग रिवॉल्यूशन है, जो कि बड़ा एक आरोप है बिग बॉस पे कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो है। भाई अब पता नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लाइव फीड में ऐसा लग रहा है देख के कि कुछ ना कुछ तो हुआ है बवाल। कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज, और मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं।